आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन मेथड। हम डेटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि डेटा सिलेक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब तक डेटा को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिल्टर लगाना है, कुछ भी करना है, नीड टू सिलेक्शन। सो फर्स्ट डेटा को सिलेक्ट करना आप सीखें आज। तो आपके सामने मैंने एक डेटा बनाया है जस्ट, और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, माउस से सिलेक्शन करते हो जनरली, आप क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसके जगह पर आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इस पूरे को सिलेक्ट करें। यहाँ पे कर्सर रखे, शिफ्ट की को सिलेक्ट होल्ड करें और इस पर क्लिक करें। शिफ्ट की को होल्ड करें और नीचे क्लिक कर लें एंड में। ओके। होता है क्या है सर कि आप यहाँ पे कर्सर है आपका, अगर मैंने नीचे यहाँ पे क्लिक किया तो कर्सर जस्ट मूव हुआ, लेकिन जब मैं शिफ्ट की को अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की को होल्ड करके और फिर क्लिक करता हूँ तो आपका जो है ना ये कर्सर मूव नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। yes. ठीक है, तो सेम यहीं पे हम यहाँ स्टार्टिंग में रहते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। और नॉर्मली कीबोर्ड सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट की के साथ जो है क्लिक करते हैं इस तरह से, लेकिन आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए ए फॉर ऑल। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। जी हाँ जी हाँ, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ। तो अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल के साथ मैं ए को प्रेस करूंगा ना सर, कंट्रोल प्लस ए, तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया, ओके। ए कंट्रोल प्लस ए से हुआ। आखिर ये करता है क्या है कि होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, यहाँ जो करेंट रीजन होता है ना इसी को वो फॉलो करता है। ओके, ठीक है। तो कंट्रोल ए में सिलेक्शन किया है, राइट? राइट, कंट्रोल ए। जी हाँ, मतलब फर्स्ट बॉक्स में रखना है सिर्फ, या किसी भी बॉक्स में, किसी भी देख रहे हैं ना, आपके सामने दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद मान लीजिए मुझे कर्सर को ऊपर से सबसे लास्ट में लाना है, तो कंट्रोल के साथ ये जो डाउन एरो दिख रहा है ना, हाँ, इसको क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे ही कंट्रोल के साथ मैं अगर लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट में आएगा, अब कर राइट करता हूँ कंट्रोल के साथ, राइट करता हूँ तो राइट में आएगा, अप करता हूँ तो अप में आएगा। तो एक कर्सर मूव करने का, चाहे डेटा कितना बड़ा क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कि मैं ए 55,000 पे चला गया, यहाँ पे आ गया ना 5,00,000 समथिंग पे आ गया, मुझे एक ही बार में अपने डेटा के ऊपर पहुंचना है, जहां डेटा खत्म हो रहा है वहां पे पहुंचना है। कंट्रोल अप, तो कंट्रोल और अप एरो करेंगे तो पहुंच जाए, पहुंच गए। लेकिन इसी में अगर मुझे सिलेक्शन के साथ चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद फिर मैं डाउन एरो करूंगा तो देखिए डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और मैं राइट करता हूँ तो राइट में, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट राइट। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ओके। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर है और मैं आपके कीबोर्ड में देखिएगा एक एंड का बटन होगा, एंड की प्रेस करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कर्सर सबसे लास्ट पे पहुंच जाएगा। पहुंच गया,
यस अगर हमने कंट्रोल और एंड किया तो सबसे लास्ट डेटा के सबसे लास्ट ईयर पहुंच जाएगा। पहुंच गया आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और फिर एंड बटन दबाइए, पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है सर, ऐसी लास्ट में कर्सर आपने रख रखा है या कहीं और रख रखा है, मैं चाहता हूँ इससे ऊपर का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट होम। ठीक है okay. उसके बाद मान लीजिए मुझे नेक्स्ट सीट में जाना है तो कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप होगा, कंट्रोल पेज अप, सॉरी पेज अप, अगर नेक्स्ट शीट में तो कंट्रोल पेज अप से वापस आएगा, कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट में, फिर पेज डाउन नेक्स्ट शीट, पेज अप सीट चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक ये शॉर्टकट लिस्ट में आपको दे दूंगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है देखिए, हमने आपको बताया अभी कि कंट्रोल ए करने पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है, हो जाता है, लेकिन अगर इसमें कोई ब्लैंक रो हुआ तो उस केस में डेटा आपको इससे ऊपर ही सिलेक्ट होगा, इसके नीचे सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो एक चार्ट है और वो नीचे का दूसरा चार्ट है, ऐसे एक से हाँ कंटिन्यूअस को फॉलो करता है। हाँ किसी में मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए, अब पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया सर। अगर पूरी एक रो ब्लैंक होगी तो वो एक्सेल मानेगा कि वो दो चार्ट अलग अलग, जी ओके ओके। अब इसमें एक छोटा हमने कर लिया, अब इसमें अगला ऑप्शंस आते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चीज और भी है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी फालतू में कुछ लिखा हुआ है ना इस तरह से, तो आपका कंट्रोल ए करने पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना सर, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है, बीच में गैप होगा तो नहीं सिलेक्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने बोला कि कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट में डेटा चला जाता है, अप में ऊपर इस तरह से क्या, लेकिन अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ, जैसे यहाँ ब्लैंक है, तो ये ऊपर यहाँ ही रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर। अब इसमें ये तो हो गई आपकी बात, अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फाइल लिया हुआ, उसमें कई सारे शीट्स हैं, कई सारे शीट्स हैं, अब मुझे सारे शीट्स के A1 पे कुछ लिखना है, तो आप एक को लिखोगे फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। यहाँ देख रहे हैं सीट 1 से सीट 3 सिलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, सीट 1 से सीट 2 ओके, पूरा सीट सिलेक्ट हो गया ना। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डेट और यहाँ पे आज का डेट डाला, तो आप देखेंगे कि हर सीट के B1 पे आज का डेट डल गया, हर सीट के B1 पे आज का डेट डल गया एक ही बार में, लेकिन मैं चाहता हूँ सीट 1 सीट 5 और सीट 3 पे डालना, तो आप कंट्रोल कंट्रोल को होल्ड करें, सीट 5 को सिलेक्ट करें, सीट 3 को सिलेक्ट करें, तो अभी हम सिलेक्ट कर रखे सीट 1 सीट 5 और सीट 3। अब मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ,
आज का टाइम, अभी का टाइम मैंने दे दिया यहाँ पे, दे दिया। अब देखिए, अब सीट फोर में नहीं है ना, सीट फाइव पे दिया हुआ है, सीट टू में नहीं है, सीट थ्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। यस सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, तो इस तरह से हम सेल्स को सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन समझ में आ गया आपको? हाँ। सिलेक्शन के बाद हम बात करेंगे एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इन सभी में 20 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 20 ऐड करना है। तो इसको सिलेक्ट करके प्लस 20 करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए आ गया 20। और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करते बाकी देखिए यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6 आ गया पूरा सब में। तो एक फायदा क्या हुआ कि आपने फॉर्मूला तो एक पे लगाया, नीचे ड्रैग किए सब पे आ गया। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी फॉर्मूले को जब ड्रैग करते हैं, इसका जो रेफरेंस है ना, वो ऑटोमेटिकली, आप यहाँ देखिए A2+30 आ गया ना, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम कब होगी, जैसे मैं D1 में 20 ऐड किया हुआ, अब मुझे A1+D1 अब यहां तो रिजल्ट आ गया, लेकिन नीचे ड्रैग करें तो A1 A2 हो गया, D1 भी D2 हो गया। तो A1 जो A2 हुआ उसको तो रखना है, बट D1 को D2 नहीं करना। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जब नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो 1 के आगे डॉलर का साइन लगा, डॉलर का साइन लगाने से क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो जाता है। और नीचे ड्रैग करेंगे तो A1 हमारा A2 बना, बट D1 फिक्स रहा, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो D जो है E बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने 1 के आगे डॉलर लगाया है। किसी भी एड्रेस का दो पार्ट होता है, कॉलन एंड रो। तो हमने 1 का आगे किया तो रो को फ्रीज किया, कॉलम को नहीं। कॉलम को फ्रीज करना है तो फिर आपको कॉलम के आगे लगाना है, जिसको फ्रीज करना है उसके आगे लगाइए। दोनों करना है, दोनों का आगे लगाइए, किसी एक को करना है तो किसी एक को लगाइए, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चल के आगे की जो फॉर्मूलेज वगैरह है उसमें आपको काम आने वाला है, ठीक है, कि फॉर्मूलेज और बाकी चीजों पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।